I request everyone to be seated so that we can begin with the program today. Namaskar. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Shubhendu Ghosh. Welcome to this special program. We've all gathered here for the release launch of two special books. Books that are based on speeches delivered by Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind. And for this program, we are delighted to have with us and welcome Union Minister of Defence, Sri Rajnath Singh, and Union Minister of Information and Broadcasting, Sri Prakash Javadekar. We also extend warm welcome to Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, Chief of the Army Staff, General Manoj Mukund Naravane, Vice Chief of Air Staff, Air Marshal Harjeet Singh Arora, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Sri Amit Khare, dignitaries, ladies and gentlemen. And as we begin this special program, let us all rise for the national anthem. Thank you very much, and may I now request Honorable Minister Sri Prakash Javadekar to deliver the welcome address. Desh ke Raksha Mantri Rajnath ji, Bipin Rawat ji, Naravane ji, Amit Khare ji, sabhi manyavar jo yahan upasthit hai, aur bahut log jo देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, भारत के महामहिम राष्ट्रपति, अनेक प्रसंगों पर बहुत उद्बोधक विचार प्रकट करने वाले भाषण देते हैं। हमारे मंत्रालय के प्रकाशन विभाग राष्ट्रपति जी के ऐसे सभी भाषणों को हर साल अलग अलग विषयों के रूप में पेश करता है। ये एक महत्वपूर्ण काम है और आज भी दो किताबों का लोकार्पण, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स, मुझे लगता है इन पुस्तक किताबों में जो सारे भाषण है, चाहे देश को दिए संदेश हो, 14 अगस्त के दिन देते हैं या 26 जनवरी को देते हैं या अन्य पार्लियामेंट को संबोधन किया जो भाषण है जिसमें सरकार की दिशा स्पष्ट होती है, या अन्य भाषण अनेक विश्वविद्यालयों में वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाते हैं, कॉन्वोकेशन में जाते हैं, सेना के सुप्रीम कमांडर है तो सेना के सामने भी उनके भाषण होते हैं, तो उसमें सारगर्भित विचार है। उसमें एक देश का आत्मविश्वास झलकता है। आज देश जिस तरह से कोविड संकट से अनेक देशों के तुलना में हमने अच्छा उसका सामना किया है, या जिस तरह से सीमा पर परिस्थिति को संभालने का बहुत साहसी प्रयास है, तो इन सब मुद्दों पर बारी बारी में
प्रकट किए हुए विचारों का ये संकलन केवल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लाइब्रेरी के लिए नहीं, अपने लाइब्रेरी के लिए भी और पढ़ने के लिए और रेफरेंस बार बार देने के लिए भी ये किताब बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और किसी भी अच्छे काम के लिए योग्य व्यक्ति का होना जरूरी होता है, तो आज राजनाथ जी है, मैं उनके साथ 40 साल से काम कर रहा हूं, तो मैंने देखा है जिस गरिमा से वो अपने काम को संभालते हैं और जिस गरिमा में व्यवहार वो करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति जी का भी एक व्यक्तिमत्व है, बहुत सामान्य परिवार से निकले और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए और उसको अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। राजनाथ जी भी सामान्य परिवार से आए, प्राध्यापक बने और अभी देश के रक्षा का काम संभाल रहे हैं, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं मानता हूं कि ऐसी किताबें ये निश्चित रूप से सबको एक तरह से प्रेरणा देती है, संदर्भ देती है, भारत के आशय को स्पष्ट करते हैं, भारत के जीने का जो मिशन है उसको राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जी या बाकी भी प्रमुख नेता के भाषणों में जो आता है झलकता है, भारत का निश्चय, भारत का निर्धार और भारत का प्रयास। दुनिया भर में हमने एक विशेष स्थान प्राप्त किया है और आगे भी या आने वाले समय, शायद कोविड के बाद भारत का महत्व और बढ़ेगा, यह हम सब साफ तरीके से देख रहे हैं। ऐसे में इस तरह का एक नेतृत्व की श्रृंखला भारत को मिली है, इसका हमें सबको गर्व है। मैं ये लोकार्पण की और बाद में मार्गदर्शन का लिए राजनाथ जी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद। Thank you very much, sir, for the welcome address. Let's proceed with the program. May I now request Honorable Minister Sri Rajnath Singh to release the books The Republican Ethic and Loktantra Ke Swar. These books contain speeches delivered by President Ramnath Kovind on different occasions during the third year of his presidency. A total of 58 speeches are selected and categorized into 8 sections. This volume includes special section wherein President expresses his contemplations on 2 great souls, Gautam Buddha and Mahatma Gandhi. And these books have been brought out by publication divisions under Ministry of Information and Broadcasting. And may I now request Sri Prakash Javadekar to release the e-book version of the book, sir. The Republican Ethic and Loktantra Ke Swar. You can see glimpses of these e-books on the screens in front of you. And these books are available on all major e-commerce platforms as well, including Amazon and Google Play. And may I now invite Honorable Minister Sri Rajnath Singh to deliver his address, sir. भारत सरकार के मंत्री और मेरे मित्र श्री प्रकाश जी जावड़ेकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन जी रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरवणे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अमित खरे,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सम्मानित बंधुओं, मैं इसे सुखद संयोग मानता हूं कि आज मंच पर हम दो लोग मौजूद हैं यहां पर, मैं और मेरे साथ हमारे मित्र प्रकाश जावड़ेकर जी। जब हम लोग इस कार्यक्रम के लिए आ रहे थे उसके पहले ही हम साथ बैठे थे, तो मैं यही चर्चा कर रहा था। लंबे समय तक हम दोनों लोगों ने भारत की राजनीति में अपनी तरह तरह की भूमिका का निर्वाह किया है, और हम दोनों याद कर रहे थे जब मैं अपनी पार्टी के यूथ विंग का प्रेसिडेंट था, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, तो उस समय भी जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए हमारी नज़र किसी के ऊपर पड़ी थी, तो इसी प्रकाश जी जावड़ेकर के ऊपर ही हमारी पड़ी थी, और उस समय से लगातार हम लोग साथ काम करते चले आ रहे हैं। और ये सुखद संयोग है कि आज देश के राष्ट्रपति महोदय ने समय समय पर जो अपना भाषण किया है, आज उन भाषणों के संकलन की दो पुस्तक, द रिपब्लिकन इथिक और लोकतंत्र के स्वर, इसका विमोचन हो रहा है। और राष्ट्रपति महोदय के भाषणों के संकलन की पुस्तक का विमोचन करना, यह सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि समय समय पर जो उनके बहुत ही सार गर्भित उद्बोधन होते रहे हैं उसी का संकलन है इन दोनों पुस्तकों में। जैसा प्रकाश जी ने बतलाया कि चाहे संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना हो, चाहे संविधान सभा के अवसर पर उनका उद्बोधन हो, चाहे गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर दिया गया उनका भाषण हो, चाहे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर दिया गया भाषण हो, और ये दोनों महापुरुषों की जयंतियों पर भी उनके भाषण को सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ पाइका विद्रोह के महानायकों के संबंध में भी और भगवान बुद्ध के संबंध में भी उनके भाषण इस पुस्तक के एक संस्करण में देखने को मिलते हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति महोदय का प्रश्न है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रगाढ़ मेरा संबंध उनके साथ रहा है। पहली बार नज़दीक से उनका परिचय हमारा 1994 में हुआ था, जब हम लोगों ने राज्यसभा के लिए साथ ही अपना नामिनेशन फाइल किया था। उनके व्यक्तित्व से पहले मैं बहुत अधिक परिचित नहीं था, लेकिन राज्यसभा में जो उनके उद्बोधन होते थे, व्यक्तिगत स्तर पर किसी न किसी विषय पर हमारी उनकी जब चर्चा होती थी, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह व्यक्तित्व कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, और बातचीत के दौरान एक अपना इम्पैक्ट छोड़ने वाला यह व्यक्तित्व है, यह मैंने उन्हें महसूस किया था। और अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं कह सकता हूं कि उनके साथ जो लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे राष्ट्रपति महोदय जो कहते हैं वह करते हैं, यानी उनकी वर्ड्स और डीड्स, कथनी और करनी में कभी मुझे अंतर देखने को नहीं मिला है। आप सब मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि बहुत सारे ऐसे विद्वान कभी कभी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि राजनीति में कुछ विश्वास का संकट पैदा हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यानी उनकी वर्ड्स और डीड्स में अंतर। इस प्रकार के भी लेख आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के बारे में मैं कह सकता हूं उनके वर्ड्स और उनके डीड्स, उनके कृति और कथन, इसे सामान्य भाषा में कथनी और करनी कहते हैं, उसमें मुझे कभी अंतर देखने को नहीं मिला। व्यक्ति के जीवन में जब कथनी और करनी में अंतर होता है, वर्ड्स और डीड्स में भी अंतर होता है,
तो स्वाभाविक रूप से क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक विश्वास का संकट पैदा होता है। मैं ये कह सकता हूं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में राष्ट्रपति महोदय ने यह विश्वास का संकट अपनी वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण कभी पैदा नहीं होने दिया। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। जब भी वह बोलते हैं, स्वाभाविक रूप से किसी को भी यह महसूस होता होगा कि इतनी सहजता रहती है, कितनी सरलता रहती है, कितनी प्रामाणिकता रहती है। यह स्पष्ट रूप से इसकी झलक उसमें मिलती है। अब लोकतंत्र का स्वर, यह जो पुस्तक है, जो मैंने समझा है कि जो कुछ भी उन्होंने भाषण दिया है फ्रॉम इनर कोर ऑफ हार्ट, यानी अंतर मन की वह आवाज है, उसे हम सामान्य भाषण नहीं मानते हैं, बल्कि यह मैं मानता हूं कि यह उनके एक अंतर मन की आवाज है, जो भाषणों के रूप में यहां पर आज उस पुस्तक का हम ने भी विमोचन भी किया है। और मैं यह भी मानता हूं कि जो कुछ भी इस पुस्तक में है, यह उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व और उनके जीवन मूल्यों का एक शब्द चित्र है। इस रूप में मैं उसे देखता हूं। और ऐसा भाषण वही दे सकता है जो व्यक्ति की बहुत ही संवेदनशील हो, आदर्शवादी हो, न्यायप्रिय हो और साथ ही साथ आदर्श जीवन मूल्यों के प्रति जिसकी आस्था हो, वही व्यक्ति इस प्रकार के भाषण कर सकता है। और उनके पिछले जीवन की तरफ जब मैं एक बार स्मरण करता हूं अथवा नजर उठाकर मैं यदि देखता हूं, तो मैंने यह महसूस किया है जनसेवा को ही उन्होंने अपने जीवन का धर्म माना है। अब धर्म एक दायित्व चेतना है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब धर्म की व्याख्या मैं यहां नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको भी लेकर तरह तरह की चर्चाएं समय समय पर होती रहती हैं, लेकिन मैं इसी रूप में इसको यहां पर व्यक्त करना चाहता हूं कि एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व चेतना यह धर्म है। और यह दायित्व चेतना हमें अपने राष्ट्रपति महोदय के अंदर बराबर देखने को मिली है। और गरीबों की सेवा के प्रति वह बहुत ही समर्पित रहे हैं, विनम्रता, शालीनता। एक बार जिस विद्यालय में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की थी, उस पर उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब नीचे उतरे तो जितने पुराने शिक्षक जो रिटायर्ड थे, बुजुर्ग थे, उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, मंच से उतरते ही इस देश के प्रथम नागरिक ने अपने उन गुरुजनों का चरण स्पर्श किया। माने अपने इस काम के माध्यम से, इस व्यवहार से छात्रों को जो संदेश देना चाहिए, वह छात्रों को राष्ट्रपति महोदय ने अपना संदेश दे दिया। व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, व्यक्ति को शालीन होना चाहिए, गरिमायुक्त होना चाहिए, यह संदेश जो उन्होंने देना चाहिए दे दिया। और साथ ही साथ अपने गुरुजनों को, जिन्होंने हमको शिक्षा दी है, उनको देवता के तुल्य माना जाना चाहिए। हमारे यहां कहा गया है, विद्या ददाति विनयम आचार्य देवो भव। यह संदेश भी राष्ट्रपति महोदय ने उस कार्यक्रम के माध्यम से दे दिया। जब कभी वह भाषण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके भाषणों में भगवान बुद्ध की चर्चा होती है, कबीर की चर्चा होती है, महात्मा गांधी की चर्चा होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की, इन सब सारे लोगों की के संबंध में कुछ न कुछ उनकी उक्तियां, कुछ न कुछ उनके कथन, इसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदय अपने भाषणों में बराबर करते रहते हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय से भी वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। अंत्योदय के प्रति मैंने उनकी प्रतिबद्धता देखी है। अंत्योदय क्या है? समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति का उदय, उसका अभ्युदय, उसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि राज्यसभा में भी भाषण करते हुए मैंने देखा है कि समय समय पर राज्यसभा में भाषण देते हुए भी उन्होंने अंत्योदय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। समाज के शोषित, दलित, पिछड़े, ऐसे जो लोग हैं,
उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके बारे में भी समय समय पर उन्होंने चर्चा की है। अब संवेदनशीलता के बारे में यदि मैं कहूं तो अभी आपने देखा होगा कुछ ही समय पहले एक समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ था। एक लेख क्या बने, एक समाचार था, लेख नहीं था, समाचार था कि कोई एक बहुत ही गरीब छात्र वह साइकिलिंग की ट्रेनिंग ले रहा था और उसकी जानकारी हमें अजय जी ने कहा कि वो समाचार आपने देखा कि नहीं, तो उनको मालूम हुआ कि उसके पास साइकिलिंग की ट्रेनिंग तो ले रहा है लेकिन उसके पास अपनी साइकिल नहीं है। तब उसका पता लगाया उन्होंने, वो लड़का का रहता कहाँ है, उसको बुलाया और फिर उसको जो है राष्ट्रपति भवन में ही उसको एक स्पोर्ट्स साइकिल उसको भेंट करने का उन्होंने काम किया था। अब उस समय उस छात्र के भाव क्या रहे होंगे, मैं समझता हूं कि इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता कि देश का प्रथम नागरिक उसे एक स्पोर्ट्स साइकिल भेंट कर रहा है, इसकी सहज केवल कल्पना ही की जा सकती है। और इसकी चर्चा मैंने यह की कि देश के प्रथम नागरिक की संवेदनशीलता कितनी गहरी है, इसलिए मैंने इसकी यहां पर चर्चा की है। उनके भाषणों में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा भी समय समय पर मैंने सुनी है और इस पुस्तक में भी आपको देखने को मिलेगा। नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा कर देना तो बहुत आसान बात है, कोई भी बोल देगा कि नैतिक मूल्यों के प्रति हमें कमिटेड होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति, आध्यात्मिकता की बात जल्दी लोग बोलते नहीं, हर व्यक्ति आध्यात्मिक ये जो वैल्यूज होती हैं, मूल्य होते हैं, उनकी चर्चा करता नहीं क्योंकि कभी को उसको भी लगता है अध्यात्म क्या होता है, इसे समझना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति यदि अध्यात्म के बारे में सोचता है तो इस रूप में उसको स्वीकार करता है कि यह एलिवेशन ऑफ मन है, क्योंकि पूरे होल यूनिवर्स में मन प्रधान प्राणी यदि कोई है तो मनुष्य है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई मन प्रधान प्राणी नहीं है। भावनाओं की अभिव्यक्ति भी यदि होती है तो मन के द्वारा ही होती है। छोटे मन का व्यक्ति कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, छोटे मन का व्यक्ति कभी संवेदनशील नहीं हो सकता, छोटे मन का व्यक्ति मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो सकता। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय के संबंध में यह महसूस किया है कि वह सचमुच आध्यात्मिक हैं, उनका मन एलिवेटेड है, उनका मन बड़ा है। मैं तो एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स का छात्र रहा हूं, बोले कभी कभी इस स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म के बारे में लोगों को समझाना होता तो मैं कहता हूं कि लेट अस कंसीडर दैट दिस मन इज ए सर्किल, मान लो कि यह मन यह सर्किल है, एक वृत्त है। तो मैं कहता हूं ना कि मन जिसका जितना बड़ा होगा वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक होगा, उतना ही अधिक स्पिरिचुअल होगा। तो मन मान लीजिए यह सर्किल है, तो सर्किल का सर्कमफेरेंस जितना बढ़ाते चले जाओगे उतनी ही मात्रा में सुख आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। यानी सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद। अब ये अब परमानंद क्या होता है, आनंद क्या होता है, अब ये इसको मैं डिफाइन करूंगा तो लगभग आधे घंटे 40 मिनट का समय इसमें लगेगा, लेकिन इसलिए उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। बस इतना ही कहूंगा कि एलिवेटेड मन के हमारे, बड़े मन के हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। बड़े मन के न होते तो बार बार वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा अपने भाषणों में कभी न करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, उनके भाषणों में सामान्य तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा कौन करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, इसकी चर्चा कौन करेगा, छोटे मन का व्यक्ति नहीं करेगा, बड़े मन का व्यक्ति ही यह कर सकता है। कि हम केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं,
बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और भारत में ही इस प्रकार के एलिवेटेड मन के लोग, इतने बड़े मन के लोग थे। और आप विश्व का इतिहास उठाकर देखिए, उसके पन्नों को पलट कर देखिए, सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया के किसी एक देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष कब हुआ होगा भारत में, ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। हजार वर्ष हुआ है, 5000 वर्ष पहले हुआ है कि 8000 वर्ष पहले हुआ है, इसके संबंध में विवाद हो सकता है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि बहुत ही हमारे राष्ट्रपति महोदय एक एलिवेटेड मन के वह व्यक्ति हैं। शिक्षण संस्थाओं में भी उनके बराबर जब भी भाषण हुए हैं, बराबर बेटियों की शिक्षा के बारे में उनका आग्रह रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में उनका बराबर आग्रह रहा है, अनुशासन पर, समाज सेवा पर बराबर यह बल देते रहे। और दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का हो, उसको संबोधित करते हुए, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हों, टीचर्स हों, कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा देने के अतिरिक्त भी हम यूनिवर्सिटी के लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमको अपनी गतिविधियां केवल यूनिवर्सिटी कैंपस तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए। इस कैंपस के रहने वाले बाहर का जो क्षेत्र है, कुछ न कुछ एक ऐसी सीमा हमको निर्धारित करनी चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों में जाकर अपने कुछ सामाजिक दायित्व, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी वह कुछ ना कुछ निर्वहन कर सकें, यह उनका बराबर आग्रह रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति महोदय तो एक अच्छे अधिवक्ता भी रहे हैं, और मैंने देखा है एक बार तो मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, एक निहायत गरीब जिसके पास कुछ नहीं था, एक उसका मामला फंसा हुआ था, कोई वकील नहीं मिल रहा था, तो उसको कोई ये तैयार हुआ उसकी वकालत करने के लिए, तो आज के हमारे राष्ट्रपति महोदय उसके लिए तैयार हुए, लोगों को इंसाफ दिलाना, न्याय दिलाना। और जब कभी भी न्यायपालिका को भी उन्होंने संबोधित किया है तो बराबर जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में, न्यायपालिका के सुधार के बारे में भी समय समय पर उन्होंने अपनी तरफ से संदेश दिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज रीजनल लैंग्वेजेज में भी ट्रांसलेट करके आपको जजमेंट की कॉपी यदि मिलती है तो उसमें यदि सुझाव महत्वपूर्ण यदि किसी का रहा है तो ये हमारे राष्ट्रपति महोदय का ही रहा है। और उनका तो बहुत ही स्पष्ट रूप से यह मानना रहता है कि हमारे देश में हर परिस्थिति का सामना करने की कुवत यदि किसी के अंदर है तो हमारे संविधान के अंदर है, हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। अपने संविधान की उत्कृष्टता के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि हमारे समाज में, हमारे संविधान में इस प्रकार की भी व्यवस्था है कि बिल्कुल समावेशी समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है। हम अपने संविधान के जो कुछ भी प्राविधान हैं, अनुच्छेद हैं, उनके आधार पर हम समाज से भी एक समावेशी समाज के निर्माण के भी लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वो सुप्रीम कमांडर हैं, यहाँ पर हमारे CDF भी बैठे हैं, हमारे आर्मी चीफ भी बैठे हैं, हमारे वाइस एयर चीफ भी बैठे हैं यहाँ पर। सामान्यतः इस हाल में अभी तक जो मैंने संबोधित किया है, कमांडर्स की मीटिंग्स को संबोधित किया है, लेकिन वही मैं बैठे बैठे सोच रहा था आज देश के सुप्रीम कमांडर अपने आर्मी के आज उनकी पुस्तक के विमोचन करने के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। हमारे देश के सुप्रीम कमांडर केवल राष्ट्रपति भवन में ही नहीं बैठे रहते, समय समय पर जो हमारे फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पर भी जाने की भी वह इच्छा व्यक्त करते रहते हैं। एक बार तो उनके साथ मुझे मालूम है जनरल बिपिन जिरावत भी उनको साथ लेकर, शायद रावणे जी भी थे जहाँ तक मुझे याद है, या उस समय नहीं थे, आर्मी चीफ आप ही थे, उन्होंने इच्छा व्यक्त कर दी कि मैं सियाचिन चलूंगा जो सबसे ऊंचाई पर युद्ध क्षेत्र है।
तो ऐसे स्थानों पर जाने की इच्छा व्यक्त करना, देश की सीमा की, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने वाले जवानों से मिलने की इच्छा की अभिव्यक्ति करना, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उनकी हौसला अफजाई करना, उनके साथ सीधा संवाद स्थापित करना। तो समय समय पर इस काम को भी बराबर हमारे राष्ट्रपति महोदय ने किया है, और हमसे जब कभी बातचीत होती है तो जरूर फौज के बारे में पूछेंगे, क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है। भारत चीन के बीच का भी जब तनाव था, भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी स्थिति रहती है, उसके बारे में भी समय समय पर वो चर्चा करते रहते हैं। प्रवासी भारतीयों का स्वाभाविक है, कोई आता है तो देश के राष्ट्रपति से वो मिलना चाहेगा, मिलते भी हैं लोग। प्रवासी भारतीयों को भी उन्होंने संबोधित किया है समय समय पर। तो प्रवासी भारतीयों को जब संबोधित करते हैं, चूंकि भारत की सीमा में नहीं है रह रहे हैं, भारत की सीमा के बाहर दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो उनके सामने उनको संबोधित करते हुए भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों की यह चर्चा बराबर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। यह सब सारी चीजें इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे, और मैं तो यह कह सकता हूं कि यह दोनों पुस्तकें हैं समकालीन भारत को समझने के लिए, यह हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी। और जैसा हमारे प्रकाश जी जावड़ेकर ने कहा ना कि ये दोनों पुस्तकें अथवा इसके पहले की भी जो भी पुस्तकें अब तक विमोचित हुई होंगी, वह एक रेफरेंस बुक के रूप में भी ये उपयोगी सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस समय मैं इस देश के प्रथम नागरिक और भारत के आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। थैंक यू सर फॉर योर एड्रेस, थैंक यू फॉर गिविंग अस ग्लिम्सेस ऑफ लाइफ एंड टाइम्स ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, हिज कमिटमेंट टू द विजन ऑफ अंत्योदय, his vision of empowerment of the youth, and particularly your insight into the physics of spirituality. We'll learn more about that in the times ahead. May I now request Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Sri Amit Khare, to deliver the vote of thanks. Mananiya Raksha Mantri, Sammananiya Shri Rajnath Singh Ji, माननीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण, वन एवं पर्यावरण तथा भारी उद्योग श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे बीच उपस्थित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे जी, वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल अरोड़ा जी, सभी वरीय अधिकारीगण, सभी महानुभाव जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। माननीय, सबसे पहले मैं रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह का अपनी ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने माननीय राष्ट्रपति महोदय की इन पुस्तकों का विमोचन किया, और विशेष रूप से राष्ट्रपति महोदय की जीवनी और व्यक्तित्व से जुड़े हुए अनेकों अनेक संस्मरण आपने हमको बताए। और छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपने गागर में सागर भर दिया कि राष्ट्रपति महोदय की जीवनी से शुरू होकर आपने आध्यात्म और परमानंद, इन सबको एक साथ समेटा। मैं विशेष रूप से आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व में भी शिक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, NCC, NSS, इन सब गतिविधियों में आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा है, और आगे भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, जो हमारे मंत्रालय के माननीय मंत्री हैं, इनकी विशेष निगाह हर गतिविधि पर रहती है, और ये भी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, इनमें विशेष रूप से इन्होंने देखा है कि एक अच्छा संकलन सामने आए और जो देश के नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे। भारत के माननीय राष्ट्रपति हमारी सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, और इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत
जनरल नरवणे, एयर मार्शल अरोड़ा और अन्य विशिष्ट अधिकारियों की उपस्थिति से हमें काफ़ी बल मिला है। मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रपति सचिवालय के विशेष सचिव श्री बाला प्रसाद, माननीय राष्ट्रपति जी के प्रेस सचिव श्री भादू के सचिव यहाँ उपस्थित, इन सारे संकलन को तैयार करने पे समय समय पर इन्होंने भरपूर सहयोग दिया है और हमारे प्रकाशन विभाग को मार्गदर्शन भी दिया है। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की महानिदेशक मोनिदीपा एवं उनकी पूरी टीम ने इन पुस्तकों को बनाने में, इनको प्रकाशित करने में विशेष भूमिका दी है। मैं उनके प्रति और विभाग की अपर सचिव श्रीमती नीरजा शेखर, पीआईबी के महानिदेशक श्री केएस धतवालिया, संयुक्त सचिव एवं सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much. As we conclude the program, let us all rise for the national anthem once again. Thank you everyone for your presence for this special book release function. With that, we conclude this program. Request you to wait while the dignitaries first exit the auditorium. Thank you very much everyone for coming for this program.